दस्तार भेट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्कारयोग संत बाबा बलविंदर सिंह जी हरचोवाल गुरुद्वारा बाबा राजा राम उन्हां वल्लों भी दस्तार भेट की गई है। सो हुण दास बेनती करे दमदमी टकसाल दे महान विद्वान जिन्हां उत्ते सतगुरु जी की बड़ी कृपा है। जबान दे विच सच्चे पातशाह ने रसना दे विच बहुत ज्यादा रस दिता है और कनेडा वर्गे देशों दे विच भी जे चाहते तो अज भी पक्के हो सकते ने रह सकते ने पर बहुत वड्डी गुरमत प्रचार की सेवा निभा रहे ने। गुरद्वारा भगतां तरसिक्के विखे संत बाबा गुरदेव सिंह जी आओ उन्हां पासों गुरमत विचार श्रवण करिए जी। जन्म मरण दोहो मह नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मिलाए जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मिलाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संत बाबा लखा सिंह जी दे दशहरे दे चल रहे समागम दे विच श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग तो उपरंत आप सरबत संगतां ने दमदमी टकसाल दे मौजूदा मुखी श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां पासों गुरबाणी दी सुंदर कथा राम कली सद गुरबाणी का आधार बना के और बहुत सिख्यादायक उपदेश जो महाराज साहब सच्चे पातशाह जी की गुरबाणी के द्वारा राम कली सद के द्वारा समुचे विश्व नूं दिता गया है महापुरखां दी पवित्र रसना तो आप सारे श्रवण करके निहाल होए हैं। दमदमी टकसाल के जितने भी अस्थान होया करते ने उन्हां सारिआं दे मुखी दमदमी टकसाल के मुख सेवादार होया करते ने और इस वेले दमदमी टकसाल के मुख सेवादार संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वालिआं दे प्रबंध हेठ अस्थान चल रहे ने और जिन्हां नूं भी महापुरश अगे इन्हां अस्थानां दे उपर सेवा बख्शदे है उन्हां दी अपनी मेहनत होया करदी है उन्हां दी अपनी बंदगी होया करदी है कि कितनी कोई भावना रख के कितना सेवा दे विच तत्पर रह के कितना वह मुखी महापुरशां दे हुक्म दे विच चल के अपने जीवन नूं अध्यात्मक तौर ते उच्चा लै जांदा है अते संसार विच भी कितना क वह सत्कार जिहड़ा है वह प्राप्त करदा है। सो उन्हां शख्सियतां दे विच जो कि दमदमी टकसाल दे मुखी महापुरशां दे थले अस्थानां दे जथेदार होया करदे ने उन्हां दे विच्चों संत बाबा लखा सिंह साहिब जी सरमौर हो गुजरे ने क्योंकि उन्हां दे बारे बाबा जी ने दस्या कि 34 साल ते 8 महीने उन्होंने इस अस्थान की सेवा निभाई है। संत बाबा ठाकुर सिंह साहिब जी दे समय भी दर्शन करते रहे हैं। बाबा ठाकुर सिंह साहिब जी की आग्या दे विच रह के इस अस्थान तो गुरमत का प्रचार जिहड़ा चढ़दी कला दे विच बाबा लखा सिंह साहिब जी चलाउंदे रहे हैं और उन्हां तो पिछों संत बाबा हरनाम सिंह साहिब जी दे हुक्म विच रह के इस अस्थान ते जो दमदमी टकसाल दा मिशन है कि गुरबाणी पढ़नी गुरबाणी पढ़ाउणी कीर्तन दी संथ्या उन्हां अस्थानां तो चलाउणी और इलाके दे विच जिहड़ा है वह गुरमत समागमां दे विच पहुंच के हाजरियां लगवाउणियां और आईयां संगतां नूं रहत मर्यादा दे बारे ज्ञान बख्शिश करना यह सारियां सेवावां इस अस्थान तो बाबा जी दे हुक्म विच रह के बाबा लखा सिंह साहिब जी ने निभाईयां
और इन्ना लंबा समा उन्होंने इस स्थान से सेवा करके अपनी आत्मिक अवस्था भी उची चुकी ते आप सारे उन्होंने प्यार विच ही बैठे हो, उन्होंने इलाके दे विच भी मान प्राप्त किया और बाबा जी दी भी खुशियां अथाह खुशियां उन्होंने प्राप्त कीतियां। जेड़े प्रभु जी दे दास ते प्यारे होया करदे है, आप गुरबाणी सरवण करते रहते हो, उन्हां दी महिमा महाराज पातशाह जी ने कितनी महान लिखी है कि पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल, राज मिलख सिकदारियां अग्नि मह जाल। जे प्रभु दा दास इस तरह गुरमुख प्यारा कोई गुरसिख अवस्था वाला मिल जाए ते भाई उन्हूं कोई भावना शरदा नाल पानी प्याल देवे, गर्मी दे मौसम विच उहदे उपर पखा चल देवे, उहदा प्रशादा बन दे लई कोई चक्की पी के आटा तैयार कर देवे, ते सतगुरां दी बाणी दा फरमान है कि भाई उस गुरसिख दी सेवा दे नाल ही अंदरों ते बाहरों निहाल हो जांदा है, उहदे अंदर आनंद वाली अवस्था जिहड़ी बन जांदी है। अगर कोई राज भाग अगर कोई गुरु तो बेमुख हो के बेशक सिकदारियां बड़ा बड़ा कोई जागीरदार नवाब बन जाए ते महाराज कहिंदे इस तरह दे उद्यां नूं अग्नि विच जाल दिओ। महाराज पातशाह फरमाउंदे संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान, गृह साकत छत्ते ही प्रकार सो बिखू समा ते बिखू समान। पातशाह फरमाउंदे तुसीं ऐसियां संतां नूं मिलन जांदे जे किसे वेले प्रशादा जिहड़ा है वह जां देर दा पक्का है जां किसी कारण ठंडा हो गया है, मन लो वह रुखे दाने वर्गा हो गया तो सानू बख्शिश वजों वह लंगर छका देंदे ने, असीं उन्हां दे हत्थों प्रशादा लैके छक लैंदे हाँ, इकला वह पेट ही नहीं भरदा, वह एक बख्शिश है, उहदे नाल नाम जपण विच मन टिकदा है, बिरती नितनेम विच लगदी है। पर किसी साकत दे घर दा भोजन खा लईए जिसने नजायज माया मलक भागो वर्गी इकट्ठी कीती होवे ते पातशाह जी कहिंदे उह तां तुसीं जहर खा लई ते बिखू समान। फिर पातशाह अपनियां दासां दा किड्डा वड्डा माण सानूं संसार विच जिंदगी जीवन लई दसदे आ कि भाई जिहड़े पचंगी गुरुद्वारियां विच रहिंदे आ एवें ना समझ लैणा, गुरु की बाणी दा फरमान है संत जन्ना का शोहरा, जिहड़े संत महापुरश ने उहनां दे पास जिहड़े सेवादार रह रहे ने और मापिआं ने निके निके बेटे गुरु घर विच गुरबाणी सिखण दे लई भेज दित्ते हुंदे ने, पातशाह कहिंदे जे उहनां दे वी कोई आदर नाल चा नाल उन्होंने चरनी हथ ला दिता है तो पातशाह जी कहते फरमाते हैं कि भाई तुहाडा मन विच प्रेम लिया उस पचंगी दे लई प्यार लिया तुहाडा सफला है, तो पातशाह जी कहते संत जन्ना का शोहरा तिस चरनी लाग, माया धारी छत्र पत तिन छोड़ा त्याग। माया नजायज इकट्ठी करके कोई भावें छत्र झुलण दा जिहड़ा है वह अधिकारी बनिया फिरदा ते पातशाह जी कहिंदे त्याग दिओ उहनूं छड्ड दिओ कुछ नहीं लभणा उहदे पिछे तुर फिर के। फिर पातशाह फरमाउंदे आ भगत जना का लूंगरा ओड़ नगन ना होई, जिहड़े प्रभु दे प्यारे बंदगी सेवा विच ओत ओत हन, आपां उहनां दे पास जांदे आ भावें उन्होंने कोई छोटा जिहा कपड़ा पहला आप भी वरत लिया होवे छे महीने, अगर वह बख्शिश दे नाल उह दे दिंदे आ आपां उह वडमुल्ली दात समझ के अपने सिर ते लै लईए, इस दुनिया विच ते परलोक दे विच इज्जत नंगी नहीं हुंदी, साडे अवगणा दे उत्ते महाराज पर्दा पा लैंदे आ क्योंकि बंदगी वाले दा दित्ता सरोपा ते कपड़ा इन्हें इन्ना संभालिया ते इन्ना आदर कीता है। ते पातशाह जी कहिंदे साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई, जिसका हिरदा साकत है इतना सख्त है पत्थर वर्गा के उपदेश उहदे विच नहीं पहुंचता। पातशाह जी कहिंदे उहने तुहानूं रेशम दे भावें वस्त्र दे दित्ते है, पातशाह जी कहिंदे जदों तुसीं हंडाउणे आ ना तुहाडी इज्जत घटनी है। सब किश तुझ ही ते होआ आप बणत बणाई, दर्शन भेटत साधका नानक बल जाई। बड़ियां वडियाईयां प्रभु दे प्यारियां दीआं गुरबाणी दे विच महाराज पातशाह जी ने बख्शिश कीतियां है, सो आप सरबत संगतां ने बड़ा लंबा समा हाजरी भरी है, दास अपणियां विचारां नूं इत्थे संकोचदा होया फतेह सांझी करदा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।